हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेल्फ स्मार्ट स्टडी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। आज की वीडियो में मैं यूपी का जो पैट का एग्ज़ाम हुआ था 16/10/2022 का, 16 अक्टूबर 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ाम की आंसर की आ चुकी है, ऑफिशियल आंसर की, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। सेकेंड शिफ्ट में 16/10/2022 में द्वितीय पाली का एग्ज़ाम है। ये उत्तर कुंजी मास्टर कुंजी आई है, मास्टर की आई है। तो अपने जो आपने जो भी पेपर दिया है, अपने क्वेश्चंस का आप मिलान कर सकते हैं इससे। तो यहाँ पर देखते हैं हम, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम है, तो लोथल। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लोथल है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है। मैं स्पीड से कवर कराऊंगा, 20 मिनट के अंदर अंदर मैं आपके ये सभी क्वेश्चन कवर करा दूंगा। आपके इस शिफ्ट में जो भी सेकेंड पाली में आपने पेपर दिया होगा 16 तारीख में, तो अपने पेपर लेकर बैठ जाए और फटाफट आप उसके ऊपर टिक लगाते रहें, आपका टाइम बचेगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है, तो अहिंसा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था, तो चंद्रगुप्त सेकंड को किया गया था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर चलते हैं। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से राजवंशों में से किसने सबसे अधिक अवधि तक शासन किया, तो खिलजी ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर आते हैं हम। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश सम्राट के लिए डैश अवध को कब्जे में लिया, तो हड़प नीति के माध्यम से उसने दिल्ली को अपने अवध को अपने कब्जे में लिया था। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स पर चलते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से किन के द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी, तो सिपाहियों के द्वारा, जो मंगल पांडे था, मंगल पांडे के द्वारा ये विद्रोह की शुरुआत की गई थी। मेरठ से ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था, जिसमें कि हम बात करेंगे कारतूस के अंदर सुअर और गाय की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था, जिसको यूज़ करने के लिए सैनिकों ने मना कर दिया था। तो क्वेश्चन नंबर सेवन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, तो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिज़ाइन किया गया था, तो स्वदेशी आंदोलन का क्या किया गया था। क्वेश्चन नंबर एट पर चलते हैं। खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बॉम्बे के एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1919 में। क्वेश्चन नंबर नाइन क्या कह रहा है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी, तो 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। टोटल न्यायाधीश कितने हो गए थे, मुख्य एक तो मुख्य न्यायाधीश और 6 उनके साथ उनके न्यायाधीश की नियुक्ति हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, तो क्रिप्स मिशन की विफलता में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर है। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। ग्रीष्मकाल में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन कहलाती है, तो लू कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। भारत की मानक यामोत्तर रेखा है, तो 82°30' पूर्व देशांतर। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है, तो सीतापुर के अंदर है ये। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है, तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका, कंचनजंगा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है। तो क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के LPG मॉडल के रूप में जाना जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम कितने 51% प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है, तो क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्नलिखित में किस में किया जाता है, तो जेवर में किया जाता है, ज्वेलरीज होती है, हॉलमार्क का उपयोग उसमें किया जाता है। इस टाइप से हॉलमार्क का एक चिन्ह बना हुआ होता है, ये मुझे ठीक एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन इस टाइप से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 चलते हैं। कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्तीय पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्थान है, तो नाबार्ड है ये, इसकी आप फुल फॉर्म देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है इसकी। 1991 में आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्नलिखित में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया, तो विदेशी मुद्रा भंडार में संकट पर ध्यान दिया गया। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। 21 क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है, तो अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीति निदेशक राज्यों को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए, तो क्या होगा, वो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, जिसको कहते हैं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किस में मौलिक कर्तव्य को
उल्लेखित किया गया, तो भाग फोर्थ के में इसको उल्लेखित किया गया, हमारे मौलिक अधिकार भारत फोर ए के या फोर्थ ए के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है, तो संघ की राजभाषा के बारे में अनुच्छेद 343 का संबंध है। अनुच्छेद 25 पर बात करते हैं, निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय में के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है, तो 65 साल की उम्र में किसकी सेवानिवृत्ति हो जाती है, रिटायर हो जाते हैं कितनी उम्र में, न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो, उनकी मैक्सिमम एज है 65 वर्ष की आयु। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है, तो सफ़ेद रंग नहीं है इंद्रधनुष के 7 रंगों में से। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं, निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना जाता है, तो आर्गन को ग्रीन हाउस गैस के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन में दिया गया था ग्रीन हाउस गैस वैसे कहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 28 वाशिंग सोडा किसका प्रचलित रूप है, तो सोडियम कार्बोनेट का, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं, सोडियम कार्बोनेट का। क्वेश्चन नंबर 23 ओजोन होल किससे संबंधित है, तो समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30 पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो मिट्टी से प्राप्त करते हैं पौधे। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, तो 6.25 माइनस 2.23 मल्टीप्लाई 3.35 माइनस 2.23 प्लस 0.0016 माइनस 2.987, तो इसकी कैलकुलेशन करने के बाद आंसर क्या आएगा, 1.517, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 किसान विकास पत्र में मनोज की बचत का एक तिहाई हिस्सा पब्लिक प्राइवेट फंड में उसकी बचत के आधे के बराबर है, यदि उसके पास कुल बचत रुपये में 1.5 लाख हैं तो उसने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कितना बचत किया, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर, 60,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं, क्या कह रहा है 33 क्वेश्चन, 7 क्रमिक संख्याओं का योग 20 है, इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्यों है क्या है, तो 23 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं, 76 प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 76 माइनस 84 का स्क्वायर बटे 76 मल्टीप्लाई 84, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप अपने क्वेश्चन आंसर किसे मैच कर सकते हैं, अंडर रूट 9 प्लस 4 अंडर रूट 5, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इक्वल टू किसके होगा, 2 अंडर रूट 5 के, 2 अंडर रूट 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 धरेश का सही संधि विच्छेद क्या है, कि धरा प्लस ईश इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 समश्रुत शब्द अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा, तो भोरा और सखी, पहले शब्द का मतलब हो जाएगा भोरा, दूसरे का हो जाएगा सखी। क्वेश्चन नंबर 38 नागर का पर्यायवाची क्या है, तो नागर का पर्यायवाची क्या है यहाँ पर, चतुर। क्वेश्चन नंबर 39 सन्यासी का विलोम क्या होगा, तो गृहस्थ, सन्यासी क्या होता है, घर पर त्याग देते हैं अपना, और गृहस्थ का ये मतलब घर पर रहने वाला व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 40 कोल्हू का बैल होना का मतलब क्या होगा, बुरी तरह काम करने वाला, गधे की तरह मतलब काम करने वाला आदमी कोल्हू का बैल हो जाएगा, तो एक तरह से। अब चलते हैं हम, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस, यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, 41 से 42 तक का ही दिया है। तो गोइंग टू एन ऑल बॉयज हाई स्कूल वॉज नो फन, जोइस पेरेंट्स थ्रू इट वुड बी ए गुड आइडिया टू सेंड हिम देयर इंस्टीड ऑफ ए पब्लिक स्कूल बिकॉज, तो यहाँ तक आप इसको मैंने ये पढ़ाया इतना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे आके हमें, वो देखते हैं रिलेटेड क्वेश्चंस क्या है इससे। क्वेश्चन नंबर 41 जॉयज मदर डिड नॉट वांट हिम टू गो टू पब्लिक स्कूल बिकॉज जॉयज वुड गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय गर्ल्स, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 42 वेयर डिड जॉय मीट कारमेन, तो ये मार्केट में इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 चूज द करेक्ट सिनोनिम्स रैंडम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सीडेंटल। क्वेश्चन नंबर 44 चूज द करेक्ट एंटोनिम ब्यूटीफुल, तो अगली, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर और अगली मतलब भद्दा। क्वेश्चन नंबर 45 पर चलते हैं, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेंसिटिवनेस टू द एक्शन ऑफ ए पॉपुलर फूड, तो ये हो गया, हो जाएगा एलर्गी, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 क्या करें, फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा, इनके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, फाल्गुनी किस प्रकार हार्दिक से संबंधित है, तो ये क्या हो जाएगा राइट आंसर, ससुर की बहन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 दिए गए विकल्पों में असंगत का चयन कीजिए, तो 4125 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पर चलते हैं, 8:20 एक घड़ी के घंटे की सुई की मिनट ओ की ओर
सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, तो 130 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित प्रश्न में से में दो कथन दिए गए हैं, उसमें चार निष्कर्ष दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4 दिए गए हैं। उस निष्कर्षों का चयन कीजिए जो तार्किक रूप से दिए गए कथनों का अनुसरण करता है या नहीं करते। तो देखते हैं क्या है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका केवल थर्ड अनुसरण करता है, इसको आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं अब हम मास्टर की के, क्वेश्चन नंबर 50। तो यदि स्कैम को लिखते हैं हम TDIFNF के रूप में कूटित किया जाता है तो वंडर के लिए क्या कूट होगा, तो ये होगा XPOEF, XPOEFS इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन से देश I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, इसराइल, इंडिया, इसराइल, UAE और USA। तो इसका राइट आंसर समझ गए आप। नेक्स्ट पर चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 52। भारतीय तकनीकी MSE हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नॉस्कॉम ने ऑस्ट्रेलिया सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑस्ट्रेलिया, 52 का। 53 पर चलते हैं, डैश सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने हाल ही में भारत के कुडनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत एन ईंधन की आपूर्ति दी, तो किसने दी, रूस ने दी। तो इस तरह की आपूर्ति वाले क्वेश्चन या तो रूस वाला होता है इसका राइट आंसर, या अगर दिया है तो USA, इस टाइप के होते हैं, तो ज़्यादातर वहीं पर वहीं से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में ओडिशा राज्य शीर्ष पर है, तो क्वेश्चन नंबर 55 पर चलते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है 55 क्वेश्चन नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है, तो लोक प्रशासन से ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया, तो उत्तर प्रदेश के अंदर अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन नंबर 57 पर चलते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए, तो राजस्थान के अंदर पाए गए। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई, तो नागालैंड के अंदर ये शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 59 पर चलते हैं, 59 क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है, तो किसने की, बजाज अलियंस जनरल इंश्योरेंस ने ये शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 60, बियरेबल ATM कार्ड्स और ऑफलाइन UPI किस कंपनी द्वारा लॉन्च की गई है, तो ये एस मनी के द्वारा ये लॉन्च की गई है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन से भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश हैं, तो कौन से, इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका और मालदीव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है, तो ओमान की राजधानी क्या है, मस्कट, ओमान की राजधानी मस्कट हो जाएगी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 63 पर की बात करते हैं, निम्नलिखित में से आइजोल एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी क्या क्या होगी, तो आइजोल की राजधानी क्या होगी यहाँ पर, आइजोल ही होगी। क्वेश्चन नंबर 64 पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष या स्पीकर थे, तो गणेश मावलिंकर, जिसको हमने ज़्यादातर पढ़ा है जी मावलिंकर के नाम से हमने पढ़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं, यहाँ पर भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है, तो उदयपुर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है, तो राजस्थान का पिंक सिटी भारत का किसको बोलते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 67, संघाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो मणिपुर के अंदर संघाई महोत्सव आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, संयुक्त राज्य अमेरिका USA का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो बेसबॉल है। ओके, तो नेपाल का कौन सा राष्ट्रीय खेल है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो 69 पर बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी, तो महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी, इनकी पुस्तक का एक और नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। और यहीं पर बात करते हैं हम APJ अब्दुल कलाम की बुक का नाम क्या है, विंग्स ऑफ फायर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, हरित लेखांकन ग्रीन हाउसिंग ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है, तो प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का माप क्या होगा, तो प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 पर चलते हैं, यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया है, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का 71 से 75 के उत्तर दीजिए, तो क्या है यहाँ पर हम पढ़ते हैं, पुराने समय में जो लोग देश की सेवा करना चाहते थे वे ही राजनीति में आते थे, वे अपने भविष्य की चिंता छोड़कर देश की निस्वार्थ सेवा में लग जाते थे। तो इतना पैराग्राफ मैंने पढ़ा, इससे आप समझ जाएंगे कि कौन सा पैराग्राफ है, हमें आंसर देखने हैं बस। तो 71 का
क्वेश्चन क्या दिया है पर अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि आजकल के अधिकांश नेतागण वोट पाने के लिए जनता की कौन सी दुर्बलता का फायदा उठाते हैं। सबसे सही उत्तर कौन सा होगा? तो चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त की चीजें देने का वायदा करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं, नेता क्यों नहीं चाहते कि लोग शिक्षित होकर अपने अधिकार के प्रति जागरूक बने? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा होगा? तो शिक्षित लोग अपने वोट की असली कीमत पहचानते हैं और जाति और धर्म के आधार पर बनाए गए नेताओं के समीकरण को बिगाड़ देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से आज़ादी से पूर्व के नेताओं की कौन सी विशेषता थी जो आज के नेताओं में दिखाई नहीं पड़ती है? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? तो आज़ादी से पूर्व के नेता देश की सेवा करने के लिए राजनीति में आते थे। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, आज़ादी से पूर्व के नेता देश की सेवा करने के लिए राजनीति में आते थे। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं, ये नेता येन केन प्रकारेण साम दाम दंड और भेद नीति का प्रयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। नेताओं का गंतव्य कौन सा है? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा होगा? जनता द्वारा दिए गए वोट से चुने जाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, नेता लोग पार्टी क्यों बदलते हैं? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? तो स्वार्थ सिद्धि के लिए पुरानी पार्टी छोड़कर नई पार्टी में आना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए, अब नया अनुच्छेद दिया गया है 76 से 80 के उत्तर को। तो विचारों का हमारे जीवन में सर्वाधिक महत्व होता है, हम जैसे विचार करते हैं उसी प्रकार की घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। यदि हम उत्साह और आनंद के विचारों में रहते हैं तो जीवन में अच्छी घटनाओं को आकर्षित करने लगते हैं। तो ये अनुच्छेद हमने यहाँ तक पढ़ा है, आप समझ सकते हैं कि इसके क्वेश्चंस देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 76 क्या करें, निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी भाव रचनात्मक है? तो आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंतता, संतुष्टि, आत्मविश्वास। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं, हमारे जीवन कब निराशा के अंधकार से भर जाता है? जब क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक मनोभाव लंबे समय तक अपनी तीव्रता से हमें प्रभावित करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 78 की हम बात करते हैं, प्रिय घटनाओं को हमारे जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारा मनो मस्तिष्क प्रिय विचारों से सदा परिपूरित रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 79, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है? तो अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान देकर लगातार रचनात्मक विचारों द्वारा बदला जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या करें, 80, हम कार्य सिद्धि और सफलता के बहुत पास कब होते हैं? जब हम आशा, उत्फुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा से ओतप्रोत होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 से 85 के बारे में बात करते हैं, निम्न तालिका एक परीक्षा में 7 छात्रों द्वारा अलग अलग 6 वर्षों से में प्राप्त अंकों को प्रदर्शित के प्रतिशत को प्रदर्शित करता है, जो दर्शाता है। आंकड़ों को सावधानी पूर्वक पढ़िए और दिए गए आंसरों में हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यह आंकड़े आप देख सकते हैं, ये आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद हम फिर आते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है, अंग्रेजी में सभी 7 छात्रों द्वारा प्राप्त लगभग औसत अंक कितने होंगे? तो 89 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 82 पर आते हैं, सभी वर्षों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी? तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, सभी 6 विषयों में एहान द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने होंगे? तो 442 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 84 क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्न में से किस विषय में कुल प्रतिशत न्यूनतम है? तो ये मैथ्स गणित के अंदर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 85 पे करते हैं, ब्रजेश का कुल प्रतिशत लगभग कितना है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा, 78 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 से 90 पर आते हैं, निम्न तालिका का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पूर्व के देखिए नीचे आते हैं अभी हम, ये देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया, पूर्व के वर्षों में एक्स कंपनी द्वारा निर्मित हजारों में 5 प्रकार की कारें ए बी सी डी ई की संख्या के आंकड़े नीचे दिए गए हैं। तो ये आंकड़े दिए गए हैं, ये आपको सर्च करना है अपने क्वेश्चन बुकलेट में। आते हैं इस क्वेश्चन पर, 86 क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ष 2016 से 2021 के दौरान एक्स कंपनी द्वारा निर्मित कारों में से किस प्रकार की कार की संख्या सबसे अधिक थी? तो राइट आंसर क्या है इसका, ए।
क्वेश्चन नंबर 87 पर चलते हैं। वर्ष 2016 से 21 तक कार ए के उत्पादन में अनुमानित वृद्धि कितने प्रतिशत थी? तो ये 10.87% इसका राइट आंसर था। 88 पर चलते हैं। पिछले वर्षों में किस प्रकार की कार के उत्पादन में सतत वृद्धि दर्ज की गई? तो इसमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन में देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 89 पर चलते हैं। वर्ष 2016 में कार ई का उत्पादन वर्ष 2019 में कार बी के उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत था? तो 53.5% इसका राइट आंसर था। आप सोल्व करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं हम। वर्ष 2018 से 2021 के दौरान कार डी के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की कमी आई? तो 4.35% की कमी आई थी। तो क्वेश्चन नंबर 91 पर आते हैं हम। 91 से 95 यहाँ पर एक पाई चार्ट दिया गया है। पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। निम्न चार्ट एक पुस्तक के प्रकाशन में किए गए खर्चे का प्रतिशत वितरण दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसका यहाँ पर पाई चार्ट देख सकते हैं। परिवहन, संवर्धन लागत, कागज लागत, रॉयल्टी, जल्द साजी, मुद्रा लागत। तो ये सब कुछ दिया गया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। 91वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? यदि पुस्तकों की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशन को 20,600 मुद्रण लागत के रूप में देना होता है तो इन पुस्तकों के लिए रॉयल्टी की कितनी रकम देनी होगी? तो 16,480 देनी होगी। क्वेश्चन नंबर 92। संवर्धन लागत पर किए गए खर्च के अनुरूप खंड सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 18 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 पर चलते हैं। पुस्तक का मूल्य लागत मूल्य जो था पुस्तक का 20% ऊपर अंकित किया गया। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य ₹160 है तो पुस्तक की एक प्रति में उपयोग किए गए कागज की लागत क्या होगी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 40 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख सकते हैं आप अपने। क्वेश्चन नंबर 94। यदि 5,500 प्रतियों का प्रकाशन किया गया और उसी उसकी परिवहन लागत की 80,500 80,500 है तो पुस्तक की अनुमानित विक्रय कीमत क्या होनी चाहिए ताकि प्रकाशन 25% का लाभ अर्जित कर सके? तो राइट आंसर इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा? 387.02 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 95 क्वेश्चन क्या कह रहा है? पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितने प्रतिशत कम है? तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पर? 20% इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर। 20% इसका आप सोल्व करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 से 100 तक अब एक रेखा ग्राफ आया है। एक कंपनी द्वारा वर्ष 2001 से 2007 के दौरान किए गए आयात की रकम से उस कंपनी की निर्यात की रकम का अनुपात दर्शाइए। तो 96 से 100 तक के अब क्वेश्चन आ रहे हैं। इसको आप अपने पेपर में सर्च कर सकते हैं। तो पूर्व के वर्षों में एक कंपनी के आयात निर्यात मूल्य का अनुपात यहाँ पर दिया गया है। 2001 से 2007 तक का दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 96 पर आते हैं। 96 इस वेन आरक पर आधारित है। यदि वर्ष 2004 में आयात ₹240 करोड़ था और वर्ष 2004 एवं 2005 का कुल संयुक्त निर्यात 500 करोड़ था तो वर्ष 2005 में आयात कितना था? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 450 करोड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97। किस वर्ष में कंपनी के आयात निर्यात के अल्पतम अनुपातिक थे? तो 2003 के अंदर थे। तो क्वेश्चन 97 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2003। 98 की बात करते हैं हम। 98 की वर्ष 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो ये क्या हुआ? डेटा है पर्याप्त है। पूरा डेटा नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, इसलिए डेटा पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करते हैं। यदि 2002 में कंपनी का आयात ₹260 करोड़ था तो 2002 में कंपनी का निर्यात कितना होगा? 325 करोड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 100 पर चलते हैं। दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था? तो ये रहा यहाँ पर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने चर्चा की है जितने भी अभी 2022 में पीईटी के एग्ज़ाम हुए थे, दो शिफ्ट में ये एग्ज़ाम पूरे हो गए थे। 16/10/2022 में ये एग्ज़ाम द्वितीय पाली के एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम यहाँ पर पूरे हो गए थे। तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अगर आपका एग्ज़ाम किसी भी कैंडिडेट का, आपके या किसी भी फ्रेंड का एग्ज़ाम 15 तारीख में पड़ा है फर्स्ट शिफ्ट में और फर्स्ट में सेकंड में, या 16 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में अगर आपके किसी भी फ्रेंड का एग्ज़ाम पड़ा है तो उसकी वीडियो मैंने इसी प्लेलिस्ट में बना रखी है। अगर आप प्रीवियस ईयर के भी एग्ज़ाम देखना चाहते हैं और अच्छे से एनालाइज़ करना चाहते हैं एग्ज़ाम को, तो 2021 में जो भी एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम के बारे में मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। ये पूरी प्लेलिस्ट है, उसी के अंदर मैंने ये सब कुछ बताया है और एक एक पॉइंट मैंने क्लियर कराया है उस प्लेलिस्ट के अंदर 2021 का, और एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैंने कवर कराई हैं जिससे आपकी तैयारी में बहुत अच्छा
मील का पत्थर साबित होगा। सो फ्रेंड, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के नोटिफिकेशंस पाने के लिए आप अपने सभी फ्रेंड्स के पास इसको शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें, जिससे कि वो भी अपना इस का लाभ उठा सकें। इस चैनल पर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चंस भी लेके आता हूँ और गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशंस भी लेके आता हूँ, जो कि अच्छे पैकेज की मिलती है। 10th, 12th, 11th ग्रेजुएशन जितने सभी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की इसमें मैं वैकेंसीज लेके आता हूँ, और गवर्नमेंट जॉब के भी अच्छे पैकेज की, मैं प्राइवेट जॉब की भी और गवर्नमेंट जॉब की दोनों की मैं एक अच्छे पैकेज की जॉब्स के नोटिफिकेशन यहाँ पर लेके आता हूँ। तो उस तरह के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के पास इस वीडियो शेयर करें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।